हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है या सिर्फ मौज मस्ती खेल? पढ़ाई कर रहे ना सभी? ओके, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? विषय हमारा हिंदी। हिंदी में हम बिना मात्रा के शब्द और आ की मात्रा कर चुके ना, तो आज हम करेंगे शरीर के अंगों के नाम, जिसमें बिना मात्रा के शब्द और सिर्फ आ की मात्रा के शब्द ही हम लिखेंगे, क्योंकि वहां तक हमने मात्रा सीखी है ना, आ की मात्रा तक। तब हमें देखना है अपने शरीर के अंगों में कि बिना मात्रा के और आ की मात्रा के शब्द कौन से आते हैं। सोचो आप, थोड़ा सा सोचो आप। अब जैसे क्या है ये नाक, कौन सी मात्रा है इसमें? आ की मात्रा। तो कैसे लिखेंगे? न आ अ ना। और देखो, आप अपनी बॉडी को, शरीर को देखो, उसमें पता चल जाएगा आपको नाम लोगे। जैसे क्या है ये काम, क आ न कान। और देखो ह आ थ हा। और देखो, सोचो थोड़ा सा, आप भी सोचो। बार ब आ ल, बन गया बार। और देखो नाक, कान, हाथ, बार हो गए। और देखो क्या है ये गाल, बोलो इसमें किसकी आवाज आ रही है? बोल के देखो आप, गाल में आ की आवाज, आ की मात्रा आ रही है ना। ग आ ल ऐसे। और देखो एक है ग ले आ गला। और देखेंगे क म र कमर। और देखिए आप, और कौन से आते हैं जो जिसमें बिना मात्रा के शब्द या सिर्फ आ की मात्रा के शब्द है? अपने शरीर को देखो और सोचो। ग र द न गर्दन। कितने शब्द हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको ये रीड करने हैं, रन करने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इनको याद भी करोगे, पढ़ोगे भी, और अपनी नोटबुक में इनको लिखोगे भी। तो क्या था हमारा टॉपिक? शरीर के अंगों के नाम। अभी हम इतने ही सीखेंगे, क्योंकि हमने अभी आ की मात्रा ही सीखी है। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।